बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय ब्यूटी फैमिली, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं होम फ्रेश फूड कुकिंग चैनल। आज हमारे किचन में बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनने जा रही है। दिल और पोटा हम बनाएंगे चिकन का, इसका सालन हम तैयार करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होने जा रहा है, आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है। तो चलिए ये बनाना शुरू करते हैं इस रेसिपी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे मैंने एक किलो पोटा ले लिया था, इसको धो के अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। आधा किलो दिल ले लिए हैं, इसको भी साफ़ कर लिया अच्छे तरीके से। पोट के मैंने छोटे पीसेस कर लिए हैं क्योंकि काफ़ी बड़े थे, मैंने किसी के तीन तीन पीस कर लिए हैं, किसी के दो दो। यहाँ पे चार टमाटर लिए नॉर्मल साइज़ के, दो दद प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा दो चम्मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पैन में थोड़ा सा घी ऐड करेंगे, तीन से चार टेबल स्पून। सबसे पहले हम प्याज ऐड कर देंगे, हमने रफली चॉप किया था इसको, इसको हल्का सा कलर देंगे, सोते कर लेंगे इसको, जस्ट डार्क ब्राउन बिल्कुल नहीं करना इसको। जैसे इसका कलर चेंज होगा तो हम टमाटर ऐड कर देंगे इसके अंदर, तब टमाटर ऐड कर देंगे, इनका भी थोड़ा सा कलर चेंज होने देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दोनों चीज़ों का कलर चेंज हो चुका है, अब चूल्हा बंद कर देंगे इसका हम। यहाँ पे ब्लेंडर का जग ले लिए, इसके अंदर सारा मसाला डाल देंगे, सब्ज़ मिर्चें भी डाल देंगे सात से आठ अदद, लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा इसके अंदर, आधा गिलास पानी का डाल के इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारा मसाला मैंने अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया है। अब इसको वापस पैन में ऐड कर देंगे, घी डाल देंगे साथ ही, इसमें डाल दिया थोड़ा सा गरम मसाला, साबुत जाएगा, सुरख मिर्च पाउडर डाल देंगे आधा चम्मच, धनिया पाउडर एक चम्मच जाएगा इसके अंदर, आधा चम्मच जीरे का, आधा टेबलस्पून ही जाएगा हल्दी, आधा चम्मच ही जाएगा इसके अंदर नमक। आप इसमें ज़रूरत भी डाल सकते हैं नमक मिर्च, अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे तरीके से मसाले को पका लेंगे, भुनाई करेंगे इसकी अच्छे तरीके से, ढककर थोड़ी देर पकाएंगे इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका घी अलहदा हो चुका है, मसाला अच्छे तरीके से कुक हो चुका है। अब इसके अंदर सारे पोटा और दिल डाल देंगे, मिक्स करेंगे इनको। अब यहाँ पे हम इसकी भुनाई करेंगे तकरीबन पाँच से छः मिनट के लिए अच्छे तरीके से, कवर करेंगे इसको पाँच मिनट के लिए। ये देख सकते हैं आपके पाँच मिनट मैंने कवर किया था, इसका सारा पानी निकल आया है। अब इसको हम मज़ीद और गलाने के लिए इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, इसको तकरीबन काफ़ी टाइम लगता है गलने में, ये थोड़ा सा हार्ड होती है। एक गिलास पानी का ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसको कवर करके आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे हल्की आँच पर, मीडियम टू लो फ्लेम कर देंगे इसका, कवर करेंगे इसको। तो ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी लुक काफ़ी ये खूबसूरत किस्म की लुक आपको नज़र आ रही होगी। ये गल चुके हैं हमारी पोटा और दिल, अब इसकी हम भुनाई करेंगे फिर से। यहाँ पे मैंने दही ले लिया है एक कप भर के, इसको बीट कर लेंगे हाथ से हम। यहाँ पे दही ऐड करने के बाद हम इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे जब तक घी अलहदा ना हो जाए। ये बहुत मज़े का सालन बनता है, आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो ये देखें इसके अंदर अब मैंने पानी में मज़ीद आधा गिलास और ऐड कर दिया, सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं पाँच से छः। अब इसको कवर करके हल्की सी ग्रेवी तैयार कर लेंगे इसकी, क्योंकि हम ये सालन तैयार कर रहे हैं ग्रेवी वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो ये देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी थिक हो चुकी है हमारी ग्रेवी। अब मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने गरम मसाला ले लिया है, एक टेबल स्पून डाल देंगे इसके अंदर, काली मिर्च पाउडर जाएगा आधा टेबल स्पून, मिक्स करेंगे इसको अच्छे तरीके से। देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारा सालन रेडी हुआ है, बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसको डिश आउट कर लेंगे,
उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।